इन दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कनेक्ट एग्जाम पे। आशा है आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम आप लोगों की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए कनेक्ट एग्जाम पे लगे हुए हैं। हम आपको कनेक्ट एग्जाम पे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग में आपको अगर क्लास चल रहा है पर सिलॉक्स अच्छा न्याय निगमन, तो उस इसके बारे में ये क्लास हो चुकी है, इसके बारे में आज आप कुछ बताएंगे इसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं देर न करते हुए और देखते हैं कैसे है। इसके बारे में हमने बताया था क्या होता है। सिलॉक्स में होता है कथन दिया रहता है, कथन के हिसाब से आपको निर्णय लेना होता है, निष्कर्ष लेना होता है। उसी हिसाब से कथन के हिसाब से आपको निष्कर्ष लेना होता है। कभी कभी कथन ऐसा होता है कि जो आपके जो है भौतिक रूप में उससे मैच नहीं करता, लेकिन आपको कथन में जो माना जाएगा वही सत्य माना जाएगा, भले ही अपने रियल लाइफ में वो असत्य हो। तो क्या है इसमें दिया गया है, पहले दिया रहता है कैसे प्रश्न में आपके एग्जाम में कैसे दिया जाता है। जैसे दिया गया कंडीशन की तीन कथन और उनके तीन निष्कर्ष दिए गए हैं, उसी के हिसाब से आपको दिया गया है कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें और भले ही भी ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों का पालन करते हैं। ऐसे दिया जाता है एग्जाम में और उस कथन और निष्कर्ष दिया जाता है और उसके चार ऑप्शन दिए रहते हैं। और कथन को हमको सत्य मानना है। हमने ये क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि कथन को हमको सत्य मानना है जो भी हो। तो क्या शुरुआत करते हैं प्रश्न की तरफ, क्या है इसमें कथन दिया गया है, कुछ मूषक चूहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, जैसे जैसे आपको बोला जाता है आपको सबसे सिंपल इसको हल करने का तरीका है वेन डायग्राम से आप हल करेंगे, बहुत ही आसान और आपको समझ में आएगा। तो क्या बोला गया है, कुछ मूषक चूहे हैं। तो कुछ मूषक चूहे हैं, इसको हम बनाते जाएंगे कैसे क्या होता है। तो कुछ के लिए मान लीजिए हमारा चूहा हो गया और हमें बोला गया है कुछ, बोला है चूहा का बोला गया कुछ मूषक चूहे हैं। तो हमारा चूहा हो गया, इसका हमें कुछ लेना है, इस गोले के कुछ भाग को लेना है, इस तरीके से हम लेंगे और अगला गोला क्या होगा वो मूषक होगा। क्या बोला गया है, कुछ मूषक चूहे हैं, ये आपका डायग्राम बन गया है। अब अगला कथन क्या बोला गया है, अधिकांश चूहे गिद्ध हैं। अधिकांश चूहे के बारे में बात किया गया है कि अधिकांश चूहे अर्थात अधिकांश क्या मतलब, अधिकांश अगर लगने जा रहा है तो इसका मतलब होगा कुछ, मतलब आधे ज्यादा क्या है चूहे हैं, क्या है गिद्ध हैं। तो चूहे के बारे में बात किया जा रहा है, ये हो गया आपका, ये क्या है गिद्ध है, ये आपका गिद्ध हो गया। अब दूसरा बोला गया है, अगला जो है लास्ट कथन बोला गया है कि सभी गिद्ध क्या है बाज हैं। ये हमारा गिद्ध हो गया, सभी गिद्ध के बारे में बोला जा रहा है कि सभी गिद्ध क्या है बाज हैं। सभी गिद्ध को हमें लेना है, सभी गिद्ध के लिए हमें एक और बड़ा सर्कल लेना होगा और वो बड़ा सर्कल क्या होगा, वो बाज का होगा। अब देखते हैं ये हमारा बाज हो गया, अब हमारा जो है डायग्राम बन गया है, जो क्वेश्चन में जो कथन बोला गया है डायग्राम बन गया है। अब इसके हिसाब से हमें निष्कर्ष देना है, निष्कर्ष क्या दिया गया है हम इसी से मैच कराएंगे। क्या है निष्कर्ष वाला, कुछ मूषक गिद्ध हैं। अब देख रहे हैं क्या है, गिद्ध आपका यहाँ है, मूषक यहाँ है, और देख रहे हैं मूषक और गिद्ध में कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं है तो हमारा पहला कथन जो होगा ये गलत होगा, क्योंकि ये कुछ मूषक जो है गिद्ध नहीं है, डायग्राम नहीं बन रहा है। आगे क्या है, कुछ बाज मूषक हैं, बाज हमारा डायग्राम हमारा यहाँ है और क्या बोल रहा है, कुछ बाज मूषक हैं, बाज और मूषक में जो है संबंध नहीं है, तो संबंध नहीं है ना ही कुछ मूषक को, क्या बोला गया है कुछ बाज मूषक हैं अर्थात कुछ बाज मूषक नहीं है, जो है संबंध नहीं खराब, इसलिए इस हमारे निष्कर्ष ये गलत होगा। आगे क्या है, कुछ चूहे बाज हैं। ये देख रहे हैं चूहा वाला डायग्राम यहाँ है, ये जो देख रहे हैं चूहा है और बाज जो है बड़ा वाला है, इसमें देख रहे हैं चूहे का कुछ हिस्सा आ रहा है, अर्थात क्या है ये हमारा डायग्राम सही होगा कि कुछ चूहा क्या है बाज है और कुछ जो है ये हमारा इस तरीके से सत्य होगा। तो इसका ऑप्शन कैसा हमें क्लिक करना होगा, ऑप्शन दिया गया है नीचे कि केवल निष्कर्ष तीन पालन करता है, केवल निष्कर्ष इस तरीके से दिया गया है। तो आपका कौन सा निष्कर्ष देखना होगा, केवल क्या है, केवल इसका निष्कर्ष तीन सही है, बाकी दो गलत है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें देख रहे हैं पहला ही ऑप्शन देख रहे हैं, केवल निष्कर्ष तीन पालन कर रहा है बाकी दो पालन नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन इसका वाला ए सही होगा। ऐसे आपको एग्जाम में दिया जाता है, आपको ऐसे हल करना होता है। आगे क्या है, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। इसमें दिया गया है ऐसा कंडीशन बोला गया था कि इसमें तीन कथन दिए गए हैं, कथन के हिसाब से आपको निष्कर्ष सुनना है। तो ऐसे में इसमें दिया गया है कि कुछ खरबूजे केले हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो कथन बोला जाता है उसी हिसाब से हम अपना डायग्राम बनाते हैं और क्लियर करते जाते हैं कैसे कैसे बनता रहता है। इसमें बोला गया कुछ खरबूजे केले हैं, तो जब कुछ वाला कंडीशन बोला जाए तो हम अगर बोला जाए तो हम डायग्राम कैसे बनेगा,
कुछ वाले में अगर इसको हम खरबूजा मान ले, ये हमारा खरबूजा हो गया, ये खरबूजा हो गया। जब कुछ वाला कंडीशन बने तब जो है जो सर्कल होगा सर्कल के कुछ हिस्से को लेंगे, क्योंकि जब कुछ वाला बोला जाएगा तो हम इसके कुछ हिस्से कर लेंगे, क्योंकि कुछ वाले के बात किया जा रहा है। कुछ खरबूजे केले हैं तो हमारा अगला सर्कल क्या होगा, ये केला हो गया, ये कुछ खरबूजा क्या है, केला है, ये पहला कथन है। आगे के बोला गया है कोई केला चेरी नहीं है, कोई केला चेरी नहीं है, अर्थात केला और चेरी में कोई संबंध नहीं है, तो उसका बन सकता है यहाँ बन सकता है ये चेरी का हो सकता है, केला और चेरी में कोई संबंध नहीं है, दूसरा कथन बोला गया है। तीसरा बोला है सभी चेरी क्या है, लीची है, सभी चेरी क्या है, लीची, चेरी के बारे में बात किया जा रहा है, सभी चेरी क्या है, लीची है, ये सभी चेरी इस तरीके से लीची होंगे इस तरीके से। अब हमारा ये डायग्राम बन गया है, अब डायग्राम से देखते हैं निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष करते हैं। बोला गया है कुछ लीची केले नहीं है, कुछ लीची जो है केले नहीं है, देख रहे हैं लीची हमारा यहाँ है, अब केला यहाँ है, और देख रहे हैं इनमें और उनमें कोई संबंध नहीं है, केला और लीची में कोई संबंध नहीं है, जब संबंध नहीं है तो इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, जो है पहला कंडीशन बन रहा है, सही बोला गया है कि केला, इसमें बोला गया है कुछ लीची और केले नहीं है, अर्थात कुछ अर्थात कुछ आए या कोई आए, तो इसमें केला और लीची में कोई संबंध नहीं, तो इस तरीके से हमारा वाला कथन सही है। आगे बोला गया है सभी केले खरबूजे हैं, सभी केले खरबूजे हैं, इसमें देख रहे हैं केला खरबूजा, और देख रहे हैं केला के कुछ भाग को जो है खरबूजा टच कर रहा है, अर्थात ये वाला ऐसा क्या होगा, ये देख रहे हैं ये जो होगा कुछ केला जो है खरबूजा है, लेकिन जबकि कंडीशन बोला गया है, निष्कर्ष बोला गया है कि सभी केले क्या है, खरबूजा है, तो इस तरीके से सभी नहीं आ रहा है, तो सभी नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारा कथन गलत होगा, जो है निष्कर्ष गलत होगा। अब अगला बोला गया है सभी लीची चेरी है, सभी लीची क्या है, चेरी है, और लीची देख रहे हैं बड़ा सर्कल है, और सभी लीची बोल रहा है चेरी है, जबकि अगर कंडीशन होता कि बोला होता कि सभी चेरी लीची होते तो हमारा सही होता, जबकि इसमें बोल दिया गया है उल्टा, बोला गया कि सभी लीची क्या है, चेरी है, अगर इसमें तो इस तरीके से सभी लीची चेरी नहीं होंगे, कुछ अगर कुछ कुछ लीची चेरी बोला होता तब सही होता, सभी बोला गया तो इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। तो इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल पहला सही है, तो केवल देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में पहला सही है, ये चौथा वाला देख रहे हैं, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, बाकी दो जो है पालन नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा डी वाला ऑप्शन सत्य होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, आगे कथन दिया गया है कि कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, तो कथन में जो बोला गया है उस हिसाब से डायग्राम बनाते हैं, क्या बोला गया है कुछ मोबाइल लैपटॉप, जब कुछ वाला कंडीशन आ जाएगा तो हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा लैपटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, बोला गया कुछ लैपटॉप कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, तो कुछ मोबाइल लैपटॉप है था इस तरीके से डायग्राम बनेगा, कुछ जब कुछ वाला बोला जाए तो जो है दो सर्कल में जो सब कुछ वाले हिस्से को टच करेगा, और जो जो होगा अगला क्या होगा, ये मोबाइल होगा, अब ये होगा कुछ मोबाइल लैपटॉप है या कुछ लैपटॉप मोबाइल है, अगर कथन बोला है दोनों सत्य होगा। आगे क्या बोला गया है, कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप और कंप्यूटर में कोई संबंध नहीं है, तो अगला हम बनाएंगे या सर्कल बना सकते हैं, ये क्या है कंप्यूटर, अब इसने बोला गया कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, संबंध जैसा लैपटॉप और कंप्यूटर में कोई संबंध नहीं है। अब आगे चेक करते हैं, आगे देखते हैं क्या बोला गया है, सभी फोन कंप्यूटर हैं, तो सभी फोन कंप्यूटर हैं, अब देख रहे हैं फोन कहाँ है, फोन अभी नहीं दिया गया, तो सभी फोन क्या है, कंप्यूटर है, तो इसका होगा कैसे बनेगा, फोन जो होगा ये कंप्यूटर के अंदर होगा, क्योंकि सभी फोन के बारे में बोला जा रहा है, सभी फोन क्या होंगे, कंप्यूटर होंगे, तो इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, ये हमारा फोन हो गया, जो है फोन कहाँ है, कंप्यूटर के अंदर, और ये बड़ा वाला सर्कल क्या है, कंप्यूटर, बड़ा वाला सर्कल क्या है, ये कंप्यूटर हो गया, ये हो गया। जो तीसरा करने बोला कि सभी फोन क्या है, कंप्यूटर है, इस तरीके बन गए सभी फोन क्या है, कंप्यूटर। अब हमारा डायग्राम तैयार है, अब देखते हैं निष्कर्ष क्या बोला जाए, कम से कम कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, कम से कम बोला गया है, कम से कम कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, तो उसमें देख रहे हैं क्या है, कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, अब यहाँ आप देख रहे हैं तो अर्थात देख रहे हैं कुछ मोबाइल आ रहा है, अर्थात ऐसा होगा कि कम से कम अर्थात कुछ कुछ जो है भाग जो होगा मोबाइल कंप्यूटर होना चाहिए, तो देख रहे हैं मोबाइल कंप्यूटर, मोबाइल यहाँ है, कंप्यूटर यहाँ है, मोबाइल और कंप्यूटर में कोई संबंध नहीं है, इसमें अर्थात ये वाला जो है निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है,
ना तो कम से कम पालन कर रहा है, ना तो कुछ न पालन कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा यह वाला निष्कर्ष जो है गलत होगा, क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर में कोई संबंध नहीं है। आगे क्या बोला गया, कम से कम कुछ फोन लैपटॉप हैं, कम से कम कुछ फोन लैपटॉप हैं, अर्थात फोन और लैपटॉप के बारे में संबंध बता रहा है कि कम से कम कुछ फोन जो है लैपटॉप हैं। अब देख रहे हैं लैपटॉप और फोन में कोई संबंध नहीं है, लैपटॉप और फोन में जब कोई संबंध नहीं है तो हमारा ये निष्कर्ष गलत होगा। यहाँ जहाँ 100% सत्यता नहीं है, संभावना बताई जा रही है, जहाँ तो यह संभावना नहीं हो सकता है, इस तरीके से हमारा ये कथन गलत होगा। तो देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, न तो पहला न तो दूसरा। दोस्त देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, देख रहे हैं सी वाला ऑप्शन में न तो निष्कर्ष पाला न ही दूसरा पालन कर रहा है, तो ये वाला मान निष्कर्ष सत्य होगा। अब इसी तरीके से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, कथन में दिया गया है, मेरी कक्षा की सभी लड़कियां अच्छी नर्तकियां हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, जिसमें सभी और कुछ का इस तरीके से आपने अभी देखा कि सभी और कुछ के बारे में दिया गया था, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है शुरुआती सेंटेंस में। तो क्या बोला गया है, मेरी कक्षा की सभी लड़कियां क्या हैं, अच्छी नर्तकियां हैं। तो इसमें कैसे शुरुआत करना है आपको, सबसे की पॉइंट क्या पकड़ना है कि मेरी कक्षा की सभी लड़कियां, आप देख रहे हैं कहाँ सभी लड़कियां कहाँ से हैं, यहाँ शुरुआत हो रहा है सभी जो है सभी लड़कियां अच्छी नर्तकियां हैं। तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, पहले हम लड़की कर लेते हैं, एक गर्ल हो गया, सभी लड़कियां अच्छी नर्तकियां हैं, तो हमारी गर्ल हो गया, और गर्ल क्या है जितनी भी लड़कियां क्या हैं अच्छी नर्तकी हैं, था अच्छी नर्तकी हम बोल सकते हैं डांसर। सभी लड़कियां क्या हैं नर्तक डांसर हैं जो है उस कक्षा की, सभी अच्छे नर्तक नर्तकियां कलाबाज होते हैं। इसमें बोला जाए जितने भी डांसर या नर्तक या नर्तकियां जितने भी होते हैं क्या होते हैं, कलाबाज होते हैं, अर्थात ड्रामेबाज होते हैं। तो इसका कैसे बनाएंगे, तो इसमें बोला जाए नर्तक और नर्तकियां हमारे बहुत बोला जा रहा है कि सभी नर्तक नर्तकियां क्या होते हैं, कलाबाज होते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, इस तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि नर्तक और नर्तकियां हमारे बताया जा रहा है, तो सभी जो नर्तकियां क्या है बड़े डायग्राम के अंदर होंगे, अब जो बड़ा डायग्राम का होगा ये कलाबाज का होगा। अब देख रहे हैं निष्कर्ष जो बोला गया था कि सभी नर्तक नर्तकियां क्या है कलाबाज, ये डायग्राम आपका बन गया है। अब आगे क्या बोला गया है, मेरी कक्षा के कुछ लड़के कलाबाज हैं, अर्थात इसमें बोला कुछ लड़के, या कहाँ ध्यान देना है कुछ लड़के, तो उस जो है लड़की के कुछ लड़के कलाबाज हैं, कलाबाज कहाँ देख रहे हैं ये देख रहे हैं, कुछ लड़के लड़के के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ कलाबाज वाले के इस तरीके बना सकते हैं हम, ये क्योंकि कलाबाज के बारे में संबंध बताया गया, तो हम इस तरीके बना सकते हैं। इसका डायग्राम और भी बन सकता है, लेकिन हम इसको आपको समझाने के लिए एक ही डायग्राम बनाते हैं। क्या है, ये लड़के हो गए, लड़के हो गए ये आपके। अब डायग्राम क्या बन रहा है, कुछ लड़के क्या है कलाबाज हैं उस कक्षा के। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या बोला गया है, निष्कर्ष कैसे बोला गया है कि मेरी कक्षा के कुछ लड़के अच्छे नर्तक हैं, कुछ लड़के अच्छे नर्तक हैं। तो इसमें नर्तक जो है डांसर और जो है लड़के के बारे में संबंध नहीं बोला गया कथन में, लेकिन संभावना है हो सकते हैं। तो जहां संभावना है हो सकते हैं और कथन में नहीं बोला गया है, तो इसको हम सत्य नहीं मानेंगे, क्योंकि संभावना है, जब संभावना के कंडीशन आ रहा है तो इस तरीके से हम सत्य नहीं मानेंगे। जहां 100% कथन में जो है सत्यता होगी वहां हम सत्य मानेंगे। आगे क्या बोला गया है, मेरी कक्षा के सभी कलाबाज अच्छे नर्तक नर्तकियां हैं, सभी कलाबाज क्या है अच्छे नर्तक नर्तकियां हैं। तो देख रहे हैं कलाबाज वाला सेक्शन बड़ा वाला है और नर्तक नर्तकियां क्या है उसे छोटा है, छोटा है। तो जो है निष्कर्ष जो है पालन नहीं कर रहा है। अगर बोला होता सभी डांसर सभी नर्तकियां नर्तक क्या होते हैं सभी नर्तक नर्तकियां कलाबाज हैं तब ये फॉलो करता, जबकि इसमें बोला गया है सभी कलाबाज क्या है नर्तक नर्तकियां हैं। तो अगर ये सभी वाला कंडीशन आ रहा है और ये जो है उल्टा कंडीशन बन रहा है, तो उल्टा कंडीशन बन रहा है, तो ये तरीके से हमारा ये दूसरा वाला भी जो है निष्कर्ष गलत होगा। आगे बोला गया है कि मेरी कक्षा की सभी लड़कियां कलाबाज हैं, मेरी कक्षा की सभी लड़कियां कलाबाज हैं। देख रहे हैं जो है लड़कियां यहाँ हैं और कलाबाज वाला सेक्शन जो है लड़कियों के जो है कलाबाज वाला जो है कलाबाज के अंदर जो है लड़कियां हैं। तो उसमें जो कंडीशन देख रहे हैं सभी लड़कियां क्या है कलाबाज है, तो सभी लड़कियां देख रहे हैं कलाबाज आ रही हैं, तो सभी लड़कियां डांसर भी हैं सभी लड़कियां कलाबाज भी हैं, तो ये कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है, ये हमारा सत्य होगा। तो इसको कैसे देखेंगे, इसका निष्कर्ष देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, केवल जो है केवल ऑप्शन जो है तीसरा सत्य है, इस वाला ऑप्शन को हमें देखना है। देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला, केवल तीन पालन कर रहा है बाकी दो है पालन नहीं कर रहा है, इस तरीके से दो हमारा गलत हुआ है, तीसरा वाला इसका ऑप्शन सही है।
ऐसे इसको हल करना होता है। आगे दिया गया है, कथन दिया गया है कि कोई बंदर मनमानुष नहीं है और कोई मनमानुष मनुष्य नहीं है। जब कोई वाला कंडीशन आ जाए तो ऐसे होगा, अर्थात उनमें कोई संबंध नहीं होगा। अगर ऐसा आ रहा है तो क्या बोला गया है, कोई बंदर मनमानुष नहीं है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, हम अगर बना लेते हैं बंदर, ये बंदर हो गया, इसमें बोला गया कोई बंदर मनमानुष नहीं है, अर्थात बंदर और मनमानुष में कोई संबंध नहीं है। इसमें कोई संबंध नहीं है तो डायग्राम में भी कोई संबंध नहीं दिखेगा, ये हमारा मनमानुष हो गया। ये पहला कथन हो गया कि बंदर और वन मानुष में कोई संबंध नहीं है। अब अगला बोला गया है कोई वन मानुष मनुष्य नहीं है, अर्थात कोई वन मानुष मनुष्य, मन मानुष और मनुष्य में कोई संबंध नहीं है। इस तरीके से हमारा ये तीसरा डायग्राम बन सकता है कि इसको हम मनुष्य बोल सकते हैं। अब इसमें कैसा बोला गया है, कोई बंदर वन मानुष नहीं है और कोई वन मानुष बंदर जो है मनुष्य नहीं है, तो इसका जो है इस तरीके से डायग्राम बनेगा। और निष्कर्ष कैसे क्या दिया गया है देखते हैं कि कुछ बंदर वन मानुष हो सकते हैं, कुछ बंदर वन मानुष हो सकते हैं। तो इसमें पहले ही कंडीशन में बोला गया था कि जो है बंदर और वन मानुष में कोई संबंध नहीं है, जबकि इसमें बोला गया है कुछ जो है बंदर वन मानुष हो सकते हैं। तो इसमें बता रहा है कुछ जो निष्कर्ष बोला जा रहा है कि बंदर और वन मानुष में कुछ संबंध है, जबकि कथन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। जब कथन में नहीं बोला गया था इसको निष्कर्ष को हम गलत मानेंगे, क्योंकि हमें कहाँ चलना है, कथन के हिसाब से चलना है, कथन को सत्य मानते हुए चलना है। आगे बोला गया सभी वन मानुष मनुष्य हो सकते हैं, तो सभी वन मानुष जो है मनुष्य हो सकते हैं, जबकि आपके कथन में क्या बोला गया था कोई मन मानुष जो वन मानुष मनुष्य नहीं है, अर्थात वन मानुष और मनुष्य में कोई संबंध नहीं है। जब कोई वास्तव कंडीशन आ जाए तो उसमें सभी या कुछ जो है आ ही नहीं सकता, वहां कोई ही फॉलो करेगा। तो इस तरीके से हमारा दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत होगा। इसका निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका, कि जो है न तो पहला न तो दूसरा इस तरीके से इसका फार्म करेगा। और देख रहे हैं कौन सा ये है ऑप्शन नंबर, ये दूसरा वाला निष्कर्ष, न तो पहला ये तीसरा नंबर वाला, न तो निष्कर्ष पहला न तो दूसरा पालन कर रहा है, ये हमारा अर्थात दोनों निष्कर्ष गलत है इसके। आगे चलते हैं, क्या है ये आपका कथन और निष्कर्ष से आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ उसी टाइप के आपके क्वेश्चन थे और ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा आपका क्लास, आपको हमारी क्लास, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से जुड़े रहिए, हम आपको रीजनिंग में रोज नए नए तरीके बताते रहेंगे। और मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।